हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग में एनर्जीज क्या है चेक करूंगी मैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट भावनाएं उनकी आपके लिए क्या है, क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स ट्रू है आपके लिए, क्या उनके दिल में आपके लिए सच्चा वाला प्यार है, क्या है एनर्जीज। अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ कह रही है, सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी चेक करूंगी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के रिश्ते का सच क्या है, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, क्या उनके साथ ही रहने वाले हैं, आगे जाके उनके साथ फ्यूचर है, या फिर थर्ड पर्सन को छोड़कर वो आपकी लाइफ में आएंगे, लौटकर वापस आएंगे और आप दोनों का रिश्ता जो है वो आगे तक जाएगा, क्या कुछ होगा इस चीज़ को हम पूरा चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के हिसाब से ही क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग की जैसी क्लियरिटी जनरल रीडिंग में नहीं मिलेगी। तो जो क्लियरिटी आपको पर्सनल रीडिंग में मिलेगी वो जनरल रीडिंग में मिल ही नहीं सकती है। तो आपको लगता है कि मुझे तो मेरी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ही चाहिए और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग से ही मैं चीज़ों को चेक ज़्यादा कर पाऊंगी, तो फिर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो बुक कर सकते हैं। अपनी नंबर है 9540119650, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स में अपनी रीडिंग को ले सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो फिर अभी चेक करेंगे क्या है एनर्जीज। तो जनरल रीडिंग में जितना मैच करता है उतना आप रख सकते हो और पर्सनल रीडिंग जैसी क्लियरिटी जनरल रीडिंग में नहीं मिलेगी, तो जितना मैच करे उतना आपको रखना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एनर्जीज क्या है आपके पर्सन के। देखो भाई, यहाँ पर जो साफ साफ दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से मैं आपको बोलूंगी, अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना और आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, मैं सीधा सीधा बोलूंगी यहाँ पर आपको, क्योंकि जिस तरीके से आज कार्ड आए ना साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है। अगर आपके पर्सन ने चीट किया है, धोखा दिया है और अचानक से ब्लॉक कर दिया है और थर्ड पार्टी की वजह से रोज ऑन ऑफ करते हैं, बिल्कुल ढंग से बात नहीं करते, तो मैं आपको बोलूंगी कि आज कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो खुद बहुत परेशान है। द मून का कार्ड, आप इस कार्ड को देख रहे हो, ये कार्ड इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज आपके पर्सन ना बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि जिस थर्ड पर्सन के लिए उन्होंने आपका साथ छोड़ा था, जिस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट किया था और वो आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ही आपके साथ रिश्ता जो है ब्लॉक कर दिया था, एकदम से उनका रवैया चेंज हो गया था, बदल से गए थे वो। तो आज आपके पर्सन कुछ चीजें ऐसी हुई हैं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से जिसकी वजह से आज आपका पार्टनर जो है ना वो पछता रहा है, बहुत ही पछता रहा है, बेहद पछता रहा है और इतना पछता रहा है कि वो दिन रात रोता है सिर्फ इसीलिए कि उसने आपका साथी क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ा आपका साथ, ठीक है ना। तो आज आपका पर्सन गिल्ट में है, पछता रहा है, तनाव में है, स्ट्रेस में है और थर्ड पर्सन के साथ रोज झगड़े होते हैं, डेली झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो भाई जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है थर्ड पार्टी की, ठीक है, कहते हैं ना कि असली चेहरा एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो अब आप यही समझ लीजिए कि आपके पर्सन को जो सच्चाई आप दिखा रहे थे ना थर्ड पार्टी की, आप बता रहे थे, सच्चाई समझा रहे थे, आप खुद कह रहे थे, चीज़ों को समझा रहे थे, है ना, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे, शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, या फिर ब्लैक एनर्जीज थी, निगेटिव एनर्जीज थी, डार्क एनर्जीज कह लो, है ना, क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वही सामने से आ रही हैं अभी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें समझ में आई हैं अच्छी तरीके से और अब वो गिल्ट में है, पछता रहे हैं, सैड एनर्जीज में, और अब उनको लग रहा है कि हाँ उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने थर्ड पार्टी का साथ जो है वो दिया और आपका साथ नहीं दिया। आज आपके पर्सन अकेले हो चुके हैं, अकेले, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर जो करंट एनर्जीज है वो करंट एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली आ रही है, काफ़ी ज़्यादा तनाव वाली आ रही है मुझे इस वक्त, ठीक है। थर्ड पार्टी काफ़ी क्लेवर थी जो सामने से उस टाइम पता नहीं चला और जब उन्होंने आपके प्यार को ठुकराया, प्रॉपर तरीके से आपको नो कांटेक्ट में डाला, ब्लॉक कर दिया, है ना, थर्ड पर्सन की वजह से लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, तो आज जाके जो थर्ड पर्सन के असली चेहरे है ना वो आपके पर्सन के सामने आए। यहाँ पर देख रहे हो आप किस तरीके से थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया है इनको, जिससे ये इनकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई है जिस बहुत ही ज्यादा खराब हुई है, या थर्ड पर्सन ने इनको कोई फाइनेंशियल बहुत लॉस करा दिया है, या थर्ड पर्सन ने आपका और इनका रिश्ता खराब तो हो ही गया है। थर्ड पार्टी ने कुछ इनको चीट किया है, धोखा दिया है, और तो और यहाँ पर कंट्रोल भी करती है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन अभी शांत है और सैड है और स्ट्रेस में है, और ये पर्सन आप खुद बहुत ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हैं। अब उनको पता है क्या लग रहा है गाइज आपके पर्सन को। ठीक है, अभी आपके पर्सन जो थे वो कल तक आपकी बात को नहीं सुन रहे थे। ठीक है ना, आपके पर्सन आपके साथ एक ही घर में रहकर, हो सकता है कि आप एक घर में रह रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप लिव इन में रहे हो और एक लंबे टाइम तक आप मिले हो, एक कांटेक्ट में रहे हो, सालों सालों साल साथ में रहे हो, बात की है ना गाइज। बट उनका और आपका प्यार सच्चा था, ट्रूनेस थी आपके प्यार में, तो आज ही तभी तो उनको आपके प्यार की कदर मालूम पड़ रही है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और अभी पेंटिकल है ना, तो अभी पेंटिकल में जो गाइज दिख रहा है ना एनर्जीज के अकॉर्डिंग, पेंटिकल में जब कोई इंसान आता है ना तब उसको एक तरीके से बहुत पछतावा भी होता है, और वो पेंटिकल की एनर्जीज में आकर सारी चीज़ों को ठीक भी करना चाहता है, बट उसे अफसोस ये हो रहा होता है कि उसने एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को ब्रेक किया। अभी थर्ड पर्सन की एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, इतना ज़्यादा कंट्रोल है, इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि उस कंट्रोल की वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, हर टाइम फियर में, उनके अंदर ना एक डर सा बैठ गया है, क्योंकि वो जब भी आपको कॉल करना चाहते हैं और आपसे अनब्लॉक करके आपसे बात कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना चेंज आ गया है गाइस, चेंज द चैरियट है, तो साफ समझ में आ रहा है उनके अंदर बदलाव है ना, तो चेंज है, चेंज का कार्ड है, और चेंज का कार्ड ना आप देखो अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो चेंज के कार्ड में एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा। तो चेंज है और एक बड़ा चेंज आया है, और चेंज के साथ साथ आज आपके पर्सन ना रोते रहते हैं, जब अकेले होते हैं तो बहुत ही सैड होते हैं। कई बार अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो कई बार ये आपको अनब्लॉक करके बात करना चाहते हैं। मैं इनकी इस तरह की एनर्जीज को देख रही हूँ, है ना, ये डार्क एनर्जीज जो दिख रही ना, इस डार्क एनर्जीज की वजह से ना आपके पर्सन इतना ज्यादा कंट्रोल में हो गए कि उन्होंने आपकी बात तक को नहीं सुना, आपने उनसे क्या बोला क्या नहीं, है ना, उनका मतलब मूड ही चेंज हो गया, वो चेंज ही हो गए। आपको भी लग रहा हो कई बार कि हाँ ये इंसान में हो क्या गया है, जो कल तक बात कर रहा है, बोल रहा है, कांटेक्ट में है, वो एकदम से चेंज कैसा हो गया। तो थर्ड पर्सन की बातों में आकर, उनकी बात को मानकर, है ना, यहाँ पर कहीं कहीं फैमिली भी दिख रही है भाई, फैमिली का भी दिख रहा है कि फैमिली भी कुछ ऐसी है जो आपके पर्सन की किसी और बात को समझती ही नहीं है, वो सिर्फ अपने हिसाब से चलती है, तो यहाँ पर फैमिली भी दिख रही है, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन रो रहे हैं, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। द हर्मिट का कार्ड है, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि वो फैमिली से सपोर्ट भी मांग रहे हैं, अब वो फैमिली से बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। सेकंड चीज, थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपके पर्सन ने आपको धोखे दिए हैं, आपके साथ भी रिश्ता रखा, थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ता रखा, आपको भी कॉल पे बात करते रहे, थर्ड पर्सन से भी कॉल पे बात करते रहे, आपसे भी मैसेजेस में बात करते रहे, उनसे भी बात करते रहे, जब आपने पूछा कि आप किससे बात करते हो या फिर आप क्यों बिजी रहते हो, आप मेरी बातों का आंसर क्यों नहीं, रिप्लाई क्यों नहीं देते हो टाइम पर, है ना, इतने देर से मैसेज किया है, कॉल किया है, क्यों नहीं रिप्लाई करते हो, तो वो फिर आपको कहीं ना कहीं कोई बहाना बनाया है उन्होंने, ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आज आपके पर्सन ना इन्हीं बातों को सोचकर बड़ा ही उनको फील होता है कि मैंने कुछ ऐसे लोगों की बातों में आकर आपने और आपके रिश्ते को बिल्कुल खराब कर लिया, और आज आपके पर्सन सिर्फ गिल्ट में है, पछता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। ठीक है, मून का कार्ड है, वही थर्ड पार्टी है, ये वही थर्ड पर्सन जिसकी वजह से उन्होंने आपका साथ छोड़ा था, आज वही झगड़े हो रहे हैं, आज उन्हीं के साथ झगड़े हो रहे हैं, आज उन्हीं के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये वही थर्ड पर्सन है जिसके लिए उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, आपको ब्लॉक में डाल दिया था, आज वही पर्सन है। ये एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू आप मिले हो, कहीं कहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, शादीशुदा भी आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हो भाई। द मून का कार्ड है जो कि पूरी तरीके से आपके प्यार को ही बता रहा है, आपके प्यार की सच्चाई को बता रहा है। सो द मून का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं आज ये भी कह रहा है आपके पर्सन के दिल की बात कि मुझे माफ कर दो, माफी तो मांगते ही आपसे, भले ही सामने से ना मांगे लेकिन इनकी हिडन फीलिंग्स देख रहे हो आप, माफी मांगने वाली ही है ना। उपाय करो गाइस, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, मैं आपको बोलूंगी, मैंने यहाँ पर ना आज जो एनर्जीज देखी है आपके पर्सन के ना चांसेस बहुत ज्यादा है रियूनियन के, बहुत ज्यादा। अभी ना आप लोगों के बीच में ना एक अच्छी तरीके की एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि आपका पर्सन ना थर्ड पर्सन की क्लेवरनेस को जान चुका है और अब वो खुद चाहता है एक न्यू बिगनिंग, है ना। तो मैं आपको बोलूंगी उपाय आप जरूर कीजिएगा ताकि आपके रिलेशनशिप में ना जो निगेटिव एनर्जीज है वो रिमूव हो। सेकेंड चीज, आप उपाय जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए जो उपाय करेंगे उससे ब्लॉक कॉन्टेक्ट ओपन होगा, क्योंकि आपके पर्सन अभी ना अभी उपाय करने से इसलिए फायदा है क्योंकि अभी आपके पर्सन की एनर्जी जो आज आ रही है ना वो एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है, बहुत पछता रहे हैं। इस टाइम ऑफ पीरियड में जो उपाय करोगे आप वो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकालेंगे, है ना। तो माता रानी की पूजा जरूर कीजिएगा और शिव जी के उपाय जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राशियां मैं बता देती हूँ। कुंभ, कन्या, तुला, वृश्चिक, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, टॉरस की एनर्जीज आ रही है मुझे। द हर्मिट का कार्ड है, फैमिली से बोल रहे हैं, अगर फैमिली है बीच में तो फैमिली को साफ साफ कह रहे हैं कि वो आपके साथ प्यार करते हैं, बैलेंस में रहना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। फैमिली हालांकि साथ नहीं दे रही है और वो साथ देगी भी नहीं, लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगी कि आपका पर्सन आप परवाह नहीं करने वाले हैं किसी की, ठीक है। आपके पर्सन को जिस तरीके की उनकी ऊर्जा आ रही है ना, माता रानी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। मैं बोलूंगी आज की एनर्जीज बहुत बहुत पॉजिटिव है। आज आपका पर्सन सबसे बड़ी चीज है ना कि आपके प्यार को समझ रहा है, समझ गया है। आज कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, आज इस तरीके की सिचुएशन हो रही है ना कि उनको एहसास हो रहा है कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उन्होंने उन लोगों के लिए आपके साथ झूठ बोला, उन लोगों के लिए आपको धोखा दिया जिनसे आज उनके झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं और जिन लोगों को उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है आपके पर्सन का, है ना। तब उन्हें आपके प्यार की समझ आ रही है कि हाँ। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस टाइम की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपको जरूर बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। और अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।